हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स पर विशन अर्पित सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज डूबलिज्म सो इफ यू सीन द प्रीवियस डूबलिज्म की वीडियो द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टेक्नोलॉजिकल डूलिज्म फाइनेंशियल डूलिज्म सोशल डूबलिज्म एंड जोग्रफिकल डूबलिज्म उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2015 जून पेपर थ्री द क्वेश्चन इज फाइनेंशियल रूलिज्म थियरी विल्प्ड बाय किसने डिवेल्प की थी दिस गिवन बाय एच माइंड सो अगर आपने फाइनेंशियल रूलिज्म का कॉन्सेप्ट यू सीन यू मस्ट योर माइंड दैट किसने दिया है दिस इज गिवन बाय एच माइंड सो सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन जुलाई पेपर टू द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंगमिस्ट अज्यूम डूलिज्म इन द इकॉनमी किन के अकॉर्डिंग किन इकोनॉमिट के अकॉर्डिंग डूलिज्म जो है इकोनॉमी के अंदर अज्यूम किया जाता है सो अकॉर्डिंगली राइन एंड फी के अकॉर्डिंग डूलिज्म इज अज्यूम्ड इन द इकानमी एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द रिगार्डो दिस इज अज्यूम्ड की डूबलिज्म है एक में ऑल दो अलग अलग सेक्टर सोलो और हेरोड के अंदर भी लिए गए हैं बट ऐसा डूलज़म को अज्यूम नहीं किया गया ठीक है सो अकॉर्डिंगली सेकेंड जो है ओनली वन एंड टू जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो रिगार्डियन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से रिगार्डो जो है वो दो सेक्टर एनालिसिस लेते हैं इकॉनमी के अंदर जिसमें वो डिस्टिक्शन ड्रॉ करते हैं बिटवीन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है सो राइन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से जो राइन फ्री मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज डूल इज मॉडल जिसमें दो सेक्टर्स होते हैं वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर सो जिस मॉडल जो है दैट वज डिवेलप बाई जॉन सी एच फी एंड गोस्तव रैनस जो कि एक्सटेंशन है लूएस मॉडल की सो यू यू मस्ट हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें राइन फी एज वेल एज लूस मॉडल हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड आल्सो दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज द सरप्लस लेबर मॉडल ठीक है सो अकॉर्डिंगली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट दट वज इन टू थाउजेंड थर्टीन सेप्टेम्बर पेपर टू द क्वेश्चन इज अप्रोच ऑफ द सोशल रूअलिज्म इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सो ये जो सोशल रूअलिज्म है दिस इज अ स्टडी विच वॉज डन इन इंडोनेशिया स्पेसिफिकली ठीक है सो so, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी वन इज वेस्टर्न सोसाइटी एंड अदर इज ईस्टर्न सोसाइटी जिसके अंदर इंडोनेशिया को पढ़ा गया था सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन सो ये जो मॉडल है दिस वॉज गिवेन बाय जे एच बॉय के जो कि एक डच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडोनेशियन इकोनमी को स्टडी किया था और प्रेजेंट करा था थ्योरी ऑफ तो सोशल ड्यूलिज्म को सो so, सोसाइटी जो है इज़ होमोजनियस अगर वहाँ पर ओनली एक सोशल सिस्टम जो है सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है बट दो या दो से ज़्यादा सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं तो उसको डूअल या प्रूरल सोसाइटी बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट टू थाउजेंड नाइनटीन जून पेपर टू द क्वेश्चन इज दे आर मार्च द फॉलोइंग क्वेश्चन थियरी ऑफ बिग पुश किसने दिया था दिस वी ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो सो दिस इज अ थियोरी दैट वॉज गिवन माई रोसिस्टन रोडन वनटेड रेट ऑफ ग्रोथ ओज गिवन बाय हेरोड सोशल डूलिज़्म हम लोग पढ़ चुके हैं विच इज एच एस बॉय के एंड जो जो इंडोनेशियन इकोनमी को रीड करते हुए द थियरी दैट इज गिवन इज बाय जे एच बॉय डी इज इंडोजिनियस ग्रोथ थियरी सो इंडोजीनअस ग्रोथ थियरी इज गिवन बाय रोमर सो अकॉर्डिंगली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी ऑप्शन So, the same thing is written. Si the theory, theory of big push is given by Rosaston Roden. Warranted rate of growth is given by Herod. Social dualism is given by J. H. Boyke. And endogenous growth model is given by Paul Romer. So, next question. This is a question that was given in 2018, December paper 2. The question is. टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म का मतलब क्या है सो इट इज़ प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर इन अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज ऑप्शन सेकेंड इज प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज थर्ड ऑप्शन इज प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज एंड फोर्थ इज प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज सो अगर आपने टेक्नोलॉजिकल डूलिज्म वाली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो विच इज़ प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर जिसमें हमने पढ़ा भी था कि पहले जो बात हुई थी इन सोशल डूलिज्म वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था जो कि दिस व कॉन्सेप्ट वॉज डिपेक्टेड इन टेक्नोलॉजिकल डूलिज्म जिसमें बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होने लगती है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टूलिज्म जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ द अंडर डिवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहाँ पर डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट होने लगती है और एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर क्या होता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डूलिज्म देर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट विच इज विजिबल सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो so ये बोयके का ही बता रखा है कि वो फेल कर गए थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल टूरलिज्म सो वो जो बेसिक प्रॉब्लम होती है अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ की उसको नहीं एक्सप्लेन करवाए थे फिर हिगिन्स आए थे जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल टूलिज्म के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं एडवांस सेक्टर के अंदर एज वेल एज इन ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ थ्रू टेक्नोलॉजिकल टूलिज्म उन्होंने एक्सप्लेन करा कि वट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ ठीक है सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ जोग्राफिकल रूरलिज्म बैकवर्डनेस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्प्रेड इफेक्ट एंड वीक बैकवॉश इफेक्ट सेकेंड इज डिवेलप्ड रीजन इज डिवेलपिंग एट अ फास्टर रेट एट द कॉस्ट ऑफ बैकवर्ड रीजन सी सेज बोथ आर करेक्ट डी सेज बोथ आर रॉन्ग सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऐसा क्यों क्योंकि हमें पता है जब जोग्राफिकल डूलज़्म होता है तो क्या होता है कि जो सेंटर है वो तो डिवेलप हो जाता है बट उसके जो पेरेफ्रल एरियाज हैं वो डिवेलप नहीं हो पाते तो क्या होता है तो जो बैक इफेक्ट है वो स्ट्रोंग होता है और वीक क्या होता है स्प्रेड इफेक्ट होता है उसका स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं होता तो सेकेंड ऑप्शन उल्टा लिखा हुआ है स्ट्रांग बैकवाश इफेक्ट होता है और वीक स्प्रेड इफेक्ट होता है ठीक है सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए जो है वो डिलीट हो जाता है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट इसलिए है बिकॉज होता क्या है डिवेलप्ड कंट्रीज़ है जो हैं वो डिवेलप करती हैं एट अ फास्टर रेट एट द कॉस्ट ऑफ बैकवर्ड रीजन जो अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके कॉस्ट पर वो खुद डिवेलप हो जाती है तो स्प्रेड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है डिवेलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो डिवेलप करती हैं बट बैकवाश इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इन द अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ ठीक है सो so बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको सारे प्रविस के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डूलिज्म सोशल डूलिज्म टेक्नोलॉजिकल डूलिज्म जोग्राफिकल डूलिज्म एंड फिनानशियल डूलिज्म ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय